नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं इम्पोर्टेंट बुक्स का पार्ट टू आपके सामने लेके आया हूँ। और इससे पहले हमने एक से लेके 50 तक बुक्स देख ली थी जो इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे 51 से लेके 100 तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बुक हमारे पास है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, और ये लिखी है एम एन रॉय ने 1945 में। सेकंड बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी बाय एम एन रॉय। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है पार्टीलेस डेमोक्रेसी का, और आपको मैं बता दूं कि बाद में जेपी नारायण ने भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार अपनाया था। तो इनमें से अगर दोनों में से किसी से भी क्वेश्चन आता है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की वकालत किसने की, तो ये दोनों ने की थी। न्यू ह्यूमनिज्म से जुड़े हैं एम एन रॉय। नेशन इज अ लिविंग सोल, वन इज इन द पास्ट, वन इन द प्रेजेंट। ये कोटेशन दी है एर्नेस्ट रेनन ने। डिपेंडेंसी थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये एजी फ्रैंक ने दी है 1970 में। ठीक है, 1970s पीरियड है, मतलब 1970 में के दशक में दी है। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये लिखी है हेरोल्ड जे लास्की ने 1930 के अंदर। द अमेरिकन प्रेजिडेंशियल सिस्टम, ये भी हेरोल्ड जे लास्की ने लिखी है 1940 के अंदर। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये लिखी है रॉबर्ट ए डाहल ने 1963 के अंदर। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, ये लॉयर्ड रुडोल्फ ने लिखी है 1987 के अंदर। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थ्री एसेज, ये हेनरी किसिंजर ने 1969 के अंदर लिखी है, और ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत बड़े ज्ञाता है हेनरी किसिंजर। कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी ओपिनियन, ये दिया था जे जे रूसो ने। माइनॉरिटी ओपिनियन का मतलब क्या है कि जो आपकी जनरल विल है वो बहुमत की विल नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये समझाना चाहते हैं जो माइनॉरिटी में है उनकी विल भी जनरल विल हो सकती है। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये डेविड ईस्टन ने लिखी है 1965 के अंदर। इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर, ये गुरनार मेडल बोलते हैं 1968 में इनकी जो बुक छपी थी एशियन ड्रामा के अंदर। क्रिटिकल, यहां पे सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब है? सॉफ्ट स्टेट का मतलब है जो अपने नियमों को और कानूनों को अच्छे तरीके से लागू नहीं कर पाता है स्टेट, उसे सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है। क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडी, ये जो क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडी की है केनेथ बूथ ने। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी, कार्ल ड्यूश ने दिया है 1957 के अंदर। सिक्योरिटी कम्युनिटी का क्या मतलब होता है कि कुछ देश आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं ताकि वो युद्धों जैसी स्थितियों से बच सके। 66 पॉलिटिकल रियलिज्म एंड आइडलिज्म, ये लिखा है जॉन एच हर्ज ने 1951 के अंदर। और इसके अंदर इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की है, और सिक्योरिटी डायलेमिक, जो सिक्योरिटी जो डायलेमा है, ये कॉन्सेप्ट इन्हीं से उभरा है 1951 में। उसके बाद सिक्योरिटी डायलेमा बटरफील्ड ने यूज किया। नियो क्लासिकल रियलिस्ट स्वेलर को माना जाता है। एशियन ड्रामा गुरनार मेडल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये 1968 के अंदर लिखा गया है, और इसमें एशिया के देशों का अध्ययन किया गया है। प्रिजनर डायलेमा, ये 1950 के अंदर मेरियल फ्लड और मेलविन ड्रेशर ने एक सिद्धांत दिया है, और प्रिजनर डायलेमा मैंने दूसरी वीडियो में आप गेम थ्योरी के अंदर अच्छे से समझाया है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैरेट हार्डिन ने ये सिद्धांत दिया था 1968 में। ट्रेजेडी ऑफ कॉमंस का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए ट्रेजेडी, और इसको इन्होंने जोड़ा था पर्यावरण के साथ। अगर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता गया तो हर एक व्यक्ति
के साथ ट्रेजेडी हो सकती है। सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्निटी, ये लिखी है रॉबर्ट डी पुटनाम ने 1993 के अंदर। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड, ये बात करते हैं एडवर्ड डब्ल्यू वीडनर, और ये विकास प्रशासन के बहुत बड़े ज्ञाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बुक लिखी है के जे हॉल्स्टी ने। इंटरनेशनल थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, ये लिखी है मार्टिन वाइट ने। पीस मील ऑफ सोशल इंजीनियरिंग लिखी है कार्ल पॉपर ने 1957 के अंदर। ये इन्होंने बुक नहीं लिखी है, इन्होंने ये एक थ्योरी दी है पीस मील ऑफ सोशल इंजीनियरिंग की कार्ल पॉपर ने। नाइट वॉचमैन स्टेट, ये लिखी है रॉबर्ट नोजिक ने। एक्चुअली ये भी बुक नहीं है, नाइट वॉचमैन स्टेट थ्योरी दी गई है रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। नाइट वॉचमैन का क्या मतलब होता है कि हमारा स्टेट इस प्रकार का होना चाहिए जो एक वॉचमैन की तरह काम करे। वॉचमैन मतलब पुलिस राज्य, जो हमारी रक्षा करे, हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करे। तो इससे क्या मतलब है, ये नियो जो आपका लिबरलिज्म है उससे संबंधित है कि राज्य को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यक्तियों के कार्यों में, वो एक वॉचमैन की तरह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे। व्हाई मैन रिबेल, रिवोल्यूशन से रिलेटेड, कि आखिर व्यक्ति क्यों रिवोल्यूशन करता है, ये टेडगर ने 1970 में लिखी है। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इवोल्यूशन से जुड़े हैं एम एन रॉय। इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन 1923, ये भी लिखी है एम एन रॉय ने। अगली बुक है पावर्टी और प्लेंटी, ये भी एम एन रॉय ने लिखी है 1944 के अंदर। नेक्स्ट बुक है रिवोल्यूशन बाय कंसेंट, ये भी एम एन रॉय ने एक सिद्धांत दिया है कि अगर आप रिवोल्यूशन करना चाहते हो तो इसमें हर व्यक्ति का कंसेंट आना चाहिए, आप किसी भी व्यक्ति को रिवोल्यूशन के अंदर जबरदस्ती नहीं धकेल सकते। वह सोशलिज्म, ये जेपी नारायण ने लिखी है 1936 के अंदर, और इसमें इन्होंने सोशलिज्म को क्यों अपनाया उसके बारे में इसमें पूरी व्याख्या दी है। टूवर्ड स्ट्रगल, जेपी नारायण 1946 के अंदर। स्वराज फॉर द पीपल, ये भी जेपी नारायण ने लिखी है 1961 के अंदर। थ्री बेसिक प्रॉब्लम ऑफ फ्री इंडिया, जेपी नारायण ने 1964 में लिखी है। हु गवर्न्स, ये रॉबर्ट डहल ने 1961 में लिखी है। सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, अरविंदो घोष ने 1921 में लिखी थी। पॉलिटिक्स पावर एंड पार्टीज, एम एन रॉय ने 1960 में लिखी है। द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट 1967 में रेनेसिस लाइकर्ट ने लिखी है। न्यू वे ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, ये भी रेनेसिस लाइकर्ट की 1976 में लिखी है बुक इन्होंने। पब्लिक ओपिनियन एंड इंडिविजुअल 1938 रेनेसिस लाइकर्ट। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये भी रेनेसिस लाइकर्ट की है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, ये लिखी है चेस्टर बर्नार्ड ने। हाउ टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट, चेस्टर बर्नार्ड। द न्यू सोसाइटी, पीटर एफ ड्रकर ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 1950 के अंदर। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर एफ ड्रकर 1954। मैनेजिंग फॉर रिजल्ट, ये एमबीओ का सिद्धांत इसमें इन्होंने दिया है। मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव 1964 में इन्होंने ये लिखी है। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, अतुल कोहली ने 2009 में लिखी है। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, रजनी कोठारी की बुक है जो कि 1988 में आई थी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बुक्स और उनके ऑथर और पब्लिशिंग ईयर बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी बुक आती है वो आपको एक हिसाब से
लिख लिख के याद करनी है, क्योंकि इसका कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है या फिर इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको उस फॉर्मूले से ये याद हो जाए। आपको क्या करना है, आपको इन सारी बुक्स को कहीं पर लिखना है और बार बार उनको देखना है, बार बार नज़र डालनी है और थोड़ा उसको पढ़ना भी है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी नई क्लास में जाते हो, पहले आप किसी को भी नहीं जानते हो, आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखने में भी बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब आप फैमिलराइज हो जाते हो उनके साथ, डेली डेली उनके साथ मिलने लगते हो, तो 8-10 दिन में आपको सबके नाम पता लग जाते हैं कि इसका नाम क्या है। वैसे ही बुक्स के साथ भी है, अगर आप बार बार इनको देखते रहोगे, बार बार इनको पढ़ते रहोगे, आपको गारंटेड सारे नाम याद हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।